एक बार महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन अपने किसी प्रयोग में बहुत व्यस्त थे कि तभी उनका एक मित्र उनसे मिलने आ गया। न्यूटन ने अपने मित्र का स्वागत किया और उसको बैठाया और कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं और फिर साथ में भोजन करेंगे। जब न्यूटन थोड़ी देर तक नहीं आए तो उनके मित्र को भूख लगने लगी। मित्र ने न्यूटन को खाने के लिए आवाज़ दी तो न्यूटन ने कहा, बस अभी आया करते करते उन्होंने बहुत समय लगा दिया। उनके मित्र को क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी थी इसलिए उसने खाना खाया और बिना कुछ कहे अपने घर चला गया। न्यूटन जब अपना काम समाप्त करके आए तो उन्होंने देखा कि टेबल पर रखे खाने के बर्तनों में थोड़ा ही खाना बचा हुआ है। तब वे अपने से बोले, अरे मैं तो खाना खा चुका हूँ, और अपने पर हंसकर फिर से अपने काम में लग गए। उनको यह भी याद ना रहा कि उनका मित्र उनसे मिलने आया था। इस घटना से हम यही देखते हैं कि आइजक न्यूटन अपने काम के प्रति कितने समर्पित थे। बाइबल की सबोपदेशक नामक पुस्तक के 9 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। तो आइए आज से पूरा जोर लगाकर और शक्ति के साथ अपने काम को करने का प्रयास करें।